हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं मेरे चैनल मिस्टर पिन चौधरी के नाम से। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, उससे पहले कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख के खुश हो गए होंगे और टाइटल भी, आज हम लाए आप लोगों के लिए मैकबुक प्रो। और आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर होने वाली है और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली वीडियो आज की, क्योंकि आज मैकबुक का प्रोडक्ट आया हमारे चैनल पर और सबसे महंगा प्रोडक्ट है। आप लोगों को पता ही है एप्पल का लैपटॉप कितना महंगा आता है और उसकी आज मैं पूरी रिव्यू देने वाला हूँ। अब आप सोचोगे भाई रिव्यू अनबॉक्सिंग कौन देगा। गाइस, मैं पहले बता दूँ कि इसे मैं लेके आया हूँ, जो मैं खाली बस रिव्यू दूंगा, क्योंकि ये एक साल पुराना लैपटॉप है। आपको पहले दिखा देता हूँ जो है इसके अंदर, ये देख लो इसके अंदर है भाई 1.5 लाख की चीज़। आज हम इसे ही रिव्यू करके दिखाएंगे, क्योंकि अनबॉक्स तो कर नहीं सकते क्योंकि ये एक साल पुराना है। तो इसकी अनबॉक्सिंग तो पहले ही कब की हो चुकी है और मैंने सोचा चलो यार इसके एक रिव्यू वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और आप लोगों को ये भी सजेस्ट करते हैं आप लोगों को एप्पल का मैकबुक लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इतना महंगा प्रोडक्ट होता है उसमें हमारे क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है, और इसकी कितनी रेंज से और कितनी लास्ट तक होती है पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ चीज़ें मैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि बहुत महंगा प्रोडक्ट है भाई। ठीक है, तो अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाएंगे भी। और चलते हैं रिव्यू पहले इसकी करते हैं मैकबुक की, और इसके साथ क्या क्या आया था वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो वीडियो पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी एक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियो देखने के लिए। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हमारी न्यू टेक्नोलॉजी की वीडियो आए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो गाइज, ये रहा हमारा मैकबुक प्रो, जो इसके अंदर है हमारा एप्पल का लैपटॉप। और वैसे तो मैं एप्पल का लैपटॉप कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को मैकबुक समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसमें हमारा मैकबुक, और उसे दिखाने से पहले आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ हम जब मैकबुक लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। वैसे तो मेरे पास बॉक्स में है नहीं, क्योंकि ये आप लोगों जैसे बताए एक साल पुराना है तो लैपटॉप है खाली इसमें। तो मैं बताया तो जब आप लैपटॉप लेते हो मैकबुक का तो आपको क्या क्या मिलता है इसके साथ, पहले मैं बताया तो इसके आप इसमें आपको पहले इसमें पैकिंग मिलती है, बॉक्स की पैकिंग मिलती है जो बॉक्स में आता ही है। और उस बॉक्स में होते हैं कुछ यूज़ मैनुअल होते हैं, जो किताबें होती हैं वो आप लोगों को पता ही होगा, और कुछ एप्पल्स के स्टिकर्स भी आते हैं और इसका चार्जर भी आता है, और खाली फिर एंड में मैकबुक आता है आपका लैपटॉप। ठीक है, तो मेरे पास चार्जर है, पहले उसका चार्जर दिखाता हूँ मैकबुक का। ये रहा गाइस चार्जर मैकबुक का, आप देख सकते हो चार्जर थोड़ा हैवी है वैसे सही है। ठीक है, और इसकी जो केबल है केबल देख सकते हो काफ़ी लंबी है, वैसे सही है मान लिए इसकी आप देख सकते हो। और ये मैग्नेट की केबल है, मुझे पता नहीं से क्या बोलते हैं लेकिन मैग्नेट की। ठीक है, ये मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा। इसे चार्जर देख सकते हो, वाइट कलर का चार्जर आता है हमारा इसमें। और बाकी आपको मैं दिखाता हूँ चार्जर, वैसे मैंने कभी देखा नहीं था एप्पल का चार्जर, इसमें ऐसा ही फीचर होगा। ये पहले इधर वाला फीचर दिखाता हूँ आपको, इसमें एक ऐसा फीचर है, ये आपको मुझे लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है ये दीवार में ऐसे टांगने का होगा, वो होगा ये। ठीक है, और इसमें एक और फीचर है जो है ये निकल जाता है इसमें, ये देखो। अब ये पता नहीं ये इसे निकाल के इसे कैसे यूज़ करते हैं, आप मुझे कमेंट में बता देना जिस लोगों को पता होगा। और वैसे ये इसे फिर होल्डर में लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह लगा के इस तरह लग जाता है, फिर इसे होल्डर में लगा देते हैं। और बाकी यही था आपको मैंने दिखाया, ये था इसका चार्जर जो कुछ यूनिक है, क्योंकि मैकबुक वाइज 1.5 लाख का है तो चार्जर भी कुछ अलग ही तो आएगा। ठीक है, तो अब इसे रखते हैं साइड। अब आ जाता हमारा मैकबुक जो है इसके अंदर, और जो ये कवर आप देख रहे हो ये लैपटॉप का बैग है जिसके आप देख सकते हो। इसकी मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को मैकबुक इसके अंदर खोल के। 1 2 3 गाइस, मज़ा आने वाला आज की वीडियो में। ये रहा गाइस, भाई साहब इसके ऊपर रख लेते हैं। ये रहा हमारा मैकबुक, देख सकते हो गाइस कितना बढ़िया लग रहा है। सीधा दिखाता हूँ आपको एप्पल का लोगो, ये देखो गाइस इसके अंदर लाइट जलती है, वो आप लोगों में दिखाऊंगा। ठीक है, और आप फ्रंट में तो देख सकते हो ऐसा कुछ है गाइस। ठीक है, कुछ अलग ही लगता है गाइस, ऐसा तो कुछ हैवी चीज़ है और कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ ले रखी बंदे ने। ठीक है, तो ये कुछ है, और साइड में ऐसा कुछ है देख सकते हो, जैसे कि इस तरह आपको साइड में मिलता है, तो इस साइड आपको ये मिल जाते हैं
कनेक्टर्स जैसे कि आप देखते हो चार्जिंग का है, और ये पता नहीं कौन सी केबल लगती है इसके अंदर, तो मुझे लगता है नेट की केबल लगती होंगी इसके अंदर, और ये आपकी यूएसबी, ठीक है, और ये ऑडियो का, ठीक है। और इस साइड आप कुछ नहीं है, इस साइड आपका सेंसर है, एक यहाँ पर पता नहीं इसे सेंसर बोलते क्या बोलते हैं, सेंसर ही बोलते होंगे, ठीक है। इस साइड और कुछ नहीं है, और इस साइड आए तो इस साइड भी कुछ नहीं है, इस साइड है, इधर आपका कैमरा के कार्ड लगा सकते हो यहाँ पर, और ये बाकी आपके यूएसबी, ये नेट का हुआ शायद, ये यूएसबी है, ये HDMI है गाइस, HDMI लिखा पड़ा है, ये देखो, ठीक है। और इस साइड तो दिखाई दिया, और बैक साइड देखेंगे तो ये देख सकते हो, इस पर थोड़े निशान लग रहे हैं जिसके आप देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा पुराना है गाइस, एक साल पुराना है जिसकी मैंने बताया। ये आप देख सकते हो मैकबुक प्रो देख रहे हो गाइस, और ये ओरिजिनल है, ये कॉपी नहीं है गाइस, पहले बताया था ओरिजिनल है ये एप्पल की, ठीक है। और ये जिसका जिससे भी लेके आऊँ उस बंदे ने 1.5 लाख का लिया है। अगर आप ऑनलाइन आप रेट चेक करोगे मैकबुक प्रो का तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो इस पर थोड़े निशान बनते हैं जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन पुराना है, लेकिन आप लोगों से भी अच्छी क्वालिटी का दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो अब इसे दिखाते हैं आप लोगों को ओपन करके, देखो गाइस इस तरह आएगा ये, इसकी देख सकते हो, और ये वाइट और ब्लैक कुछ ज़्यादा ही मैच कर रहा है। आप मेरा सेटअप देख लिया होगा मैं किस तरह शूट करता हूँ वीडियो, ये इस तरह ही करता हूँ, मेरे पास ये खाली ट्राईपॉड है जिसके आप देख सकते हो, ट्राईपॉड और फ़ोन लगा के मैं शूट करता हूँ, मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाता हूँ गाइस, ठीक है। तो इस पर थोड़े डिस्प्ले पर निशान बन रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो गाइस थोड़े डिस्प्ले पर निशान बन रहे हैं क्योंकि थोड़ा पुराना है, जैसे कि मैंने बताया उसकी जो डिस्प्ले है फुल स्क्रीन है, देख सकते हो पूरी डिस्प्ले है गाइस, और यहाँ पर आपको छोटा सा कैमरा है ये देखो, ठीक है। और बाकी ये देख सकते हो आप, और नीचे आपका कीबोर्ड और टच पैड, ठीक है। और यहाँ पर आपके दो बटन दिए जाते हैं जो आपको दिखते नहीं है, एक एरा, ठीक है, अभी आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। सबका ही ड्रीम होता है इसे खरीदने का, इसे चलाने का, ठीक है। तो अभी इसे ऑन करके भी दिखाते हैं, ये रहा ऑन का बटन, तो ये ऑन हो चुका है। इसमें मैंने विंडो डाल रखी है गाइस, इसमें मैकबुक मैंने नहीं डाल रखी, मैकबुक है कि लेकिन मैंने उसे इंस्टॉल नहीं कर रखा, इसलिए मैक विंडो चला रहा हूँ, ठीक है, मैकबुक में। इसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ पहले, ये देखो गाइस जिसकी मैंने बताया इसमें विंडो चल रही है, ये देख सकते हो, दिख रहा है ना आपको, मैं इसकी वाइटनेस तेज कर देता हूँ, फुल तेज है गाइस, अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है कुछ, और इसकी जो स्मूथली है देखो गाइस कितना स्मूथ चल रहा है, ये देखो देखो ये खोलूँ मैं डिस पीसी कितनी जल्दी खुल जाएगा, देख रहे हो गाइस, यही तो खास बताती हूँ मैकबुक की। इसका जो प्रोसेसर गाइस बहुत नेक्स्ट लेवल है, देखो कितना फास्ट चल रहा है, और ये मैकबुक बिल्कुल भी हैंग नहीं होता, ये आपको मैं पहले बताया था, जब भी इसकी जो प्राइस होती है इसी मारे हाई होती है, इसी बात के पैसे होते हैं, ये बिल्कुल भी हैंग नहीं होता। इसमें आप कोई सा भी गेम खेल सकते हो, कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, और कुछ भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये सबसे बेनिफिट वीडियो एडिटिंग करने के लिए इसमें सॉफ्टवेयर आता है। बाकी ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ, नोट पैड खोल देता हूँ, मैं इस पर कर देता हूँ, अब देखना गाइस देखो कितना स्मूथ कीबोर्ड भी है, वैसे मैं अभी कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ तुम्हारे दिखाने के लिए। और कीबोर्ड के अंदर भी लाइट जलती है, वो आप लोगों को अभी नहीं दिख रही होगी, और आपको मैं पीछे दिखाते लोगों में लाइट जल रही होगी, ये देखो गाइस वाइट जल रही है ना। और बाकी इसमें आपको DVD नहीं दिया जाता, पहले ये तो देख लो ये कितना पतला है गाइस, ये देखो ना, जब भी तो मैकबुक कहते हैं इसे, कितना पतला है और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत हल्का, देखो मैं खास से उठा दे रहा हूँ इसे, और बहुत बढ़िया लगा मुझे ये। जाते जाते अभी थोड़े इसके शॉट देख लो मैकबुक के, और अभी थोड़ी इसकी बातें और करते हैं, पहले शॉट देख के आओ।
सिनेमैटिक शॉट्स बढ़िया लगे ना इसके। और आप लोगों को मैंने जैसे बताया मैकबुक के बारे में, और अब आ जाती है इसकी बात प्राइस की। जैसे मैंने बताई इसकी जो प्राइस होती है वो होती है 1.5 लाख की प्राइस, 1,15,000 रुपीज़ ये लैपटॉप है उतने का। ठीक है, कितना महंगा लैपटॉप है गाइस। अगर आप इसे खरीदने में इंटरेस्ट करते हो और आपको पता नहीं है इसे इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या नहीं हैं, जिसके मैंने बताया इसके फ़ायदे हैं और महंगी चीज़ तो है, इसे वही लोग खरीदें जो इसे प्रेफर कर पाएंगे। ठीक है, और जिनका बजट है वही लोग इसे खरीदें, क्योंकि मैकबुक की अलग ही लेवल की चीज़ होती है। क्योंकि इसके जो सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथली चलते हैं। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है जो वीडियो एडिटिंग का आता है, वो बहुत ज़्यादा किसी लैपटॉप में नहीं मिलता, मैं वो खाली बस इसी में ही मिलता है। और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और जब वीडियो इन्फ्लुएंसर हैं वो ज़्यादातर वीडियो अपनी एडिटिंग मैकबुक से ही प्रो से करते हैं, तो इसी मारे लोग इसे खरीदते हैं और इसे यूज़ करते हैं। और बाकी आप लोगों को मैंने बताया, अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप इसे ऑनलाइन भी मत खरीदना, क्योंकि ऑनलाइन पे ज़्यादा इतना कुछ वहाँ आपको समझ में नहीं आता। मैं तो यही कहूँगा आप क्या शॉप पे जाएं, क्या मॉल में जाएं। ठीक है, क्योंकि मॉल में भी आप लोगों को वहाँ पर एग्जांपल मिल जाते हैं, वहाँ आप ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि वहाँ सारे पीस खुले भी होते हैं, वहाँ आप चेक करके भी ले सकते हो। ठीक है, और शॉप पे जाओगे तो वहाँ पर आपको खोल के नहीं दिखाएंगे, आपको सील पैक ही मिलेगा और आप लोगों को पता भी नहीं होगा ये इसके अंदर कैसे फीचर है और कैसे चलाने में और कैसे दिखने में, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना पैसा दे रहे हो तो चीज़ बढ़िया लो। ठीक है, और देख के लो, एक ट्राई लो कि इसे पूछताछ के लो, तो उसी में आप लोगों की भलाई है। ठीक है, तो ये था आज लोगों को मैंने आप लोगों में बुक बारे में बताया। और जाते जाते गाइस अब बस एंड में यही कहूँगा, वीडियो को एक लाइक करना, और इस वीडियो पर हम भाई लाइक के एम रखते हैं 200 लाइक्स। ठीक है, कर देना गाइस कंप्लीट, ज़्यादा नहीं कुछ नहीं बोला, 200 लाइक्स कर देना बहुत है अपने लिए। और कमेंट करके बताना भाई की वीडियोस कैसी लग रही है और अच्छी अच्छी वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही, कह रहा ना बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो भी आने वाली है, अभी तो और आएंगी आप लोगों के, जो आप लोग मुझसे मांगते हो कमेंट बॉक्स में, जो मैं आप लोगों के सब कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके और बताना और कैसी कैसी वीडियो लाऊँ, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में अपनी फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बस चैनल को सपोर्ट दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। ठीक है।